हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये है एचिमेनिस का बल्ब, जो कि आपको दिखने में ऐसा छोटा छोटा सा लग सकता है। और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इतने में ही 10,000 क्वांटिटी स्कारलेट कलर में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे करके मेरे पास में यहाँ पे भी है आपका ये दूसरा दूसरा कलर मिला के, इसका क्वांटिटी हेयर कम है। कैथलिया, इसमें कैथलिया ब्लू है, ये कैथलिया ब्लू 3000 क्वांटिटी। इसका बल्ब का आपको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके का, जो कि टोटली आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों में, आपको डिफरेंस डिफरेंस वैरायटी दिखने को मिल सकता है। तो ऐसा वाला आपको एचिमेनिस का मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा, और प्रीवियस वीडियो में मैंने एचिमेनिस के लिए भी आप सभी को दिखाया हुआ था। एचिमेनिस ये हो गया, फिर इधर में भी ये सभी के सभी एचिमेनिस ही रखा हुआ है। मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाऊंगा। ये है पिंक एचिमेनिस का पिंक प्लाजम, इसका भी आपको शेप वे जो है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखने को मिल सकता है। इसका भी हो गया, फिर आप लोगों को मैं और दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका टैग मैं इधर ही डाल देता हूँ। फिर इधर में देख सकते हैं इसका जो हार्वेस्टिंग किया हुआ है वाइट वाला एचिमेनिस का, हमने व्हाइट वाला का भी आप देख सकते हैं। व्हाइट वाला का आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, और व्हाइट का भी हमने यहाँ पे इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है बल्ब्स का वो आप देख सकते हैं इसका। और इसमें आप टोटली जो बल्ब्स का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट आपको दिखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास में और भी कलर्स है जो कि अवेलेबल है, जो मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। इसका जो बल्ब होता है वो काफ़ी ही टूट जाता, तो इसलिए हमने इसको काफ़ी ध्यान से रखा हुआ है। ये है मैक्सिकन है, मैक्सिकन का आपका इसका पर्पल फ्लावर विथ वाइट में पैटर्न आता है। इसका भी बल्ब आप देख सकते हैं, मैक्सिकन हो गया। इसका भी आपको यहाँ पे 3000 क्वांटिटी इतने में ही दिखने को मिल जाता है। आपको इधर में जो है हैरी माइल्स करके, इसका ये सेंसिटिव होता है काफ़ी, इसका ओरेंज का ये बल्ब रहता है। आपको ये दिखने में ब्लैक पेपर जैसा भी दिख सकता है अभी खैर, और इसका इतना लंबा लंबा, इसको हम तोड़ के भी लगा सकते हैं छोटा छोटा बना के। तो एचिमेनिस का राइट टाइम है अभी लगाने के लिए, तो एचिमेनिस का हो गया। और इधर साइड में मैं आपको दिखा दूं, तो इधर साइड में जो हमारे पास में है वो है ग्लॉक्सोनिया, ये ग्लॉक्सोनिया का है। और हमारे पास में अभी बिगुनिया का भी है, ये ग्लॉक्सोनिया साकाटा का ये सीड्स ग्रोन है, ये ब्रोकेड में आता है आपका, ये 100% आपका डबल वेराइटीज में बल्ब्स अभी मेरे पास में रखा हुआ है। खैर ये एक्सपोर्ट हो चुका है, तो मेरे पास में कुछ बल्ब्स जो है वो रखा हुआ है। और आपको इससे कैसे लगाना है वो सब खैर मैं कुछ दिनों बाद आपको कंटिन्यूस वीडियोस फिर देने का प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ अपना पर्सनल इशू के वजह से आपको वीडियोस वगैरह नहीं दे पाया था। लेकिन अभी मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी को, मैं वीडियोज़ कंटिन्यू देने का मैं ट्रायल ज़रूर करता हूँ। और इधर साइड में देखें तो ये है काला लिलीज का, आपको थोड़ा मेरा ये गुड़ौन में आपको ब्लैक सा दिख सकता है, ये स्प्राउटेड होना शुरू हो चुका है। तो इधर में भी काला लिली रखा हुआ है अभी हमने, लेकिन ये काला लिली का ये टॉप साइज नहीं है, ये मीडियम साइज में है, लेकिन ये आपका 110% फ्लावरिंग सब में आ जाएगा। तो ऐसा बल्ब आपको यहाँ पे इस तरह हो गया, फिर वहाँ पे ये सब, लेकिन अभी फाइनल स्टॉक बचा हुआ है। तो ये बल्ब्स वगैरह अभी लगाने का समय धीरे धीरे करके आ रहा है।
तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्प्राउटिंग होना शुरू हो चुका है। मैं इसका भी आपको स्क्रीन के साइड में फोटो डालने का कोशिश करता हूं, जो इसका कलर है हमारे पास में कलर वाइज है। तो आपको अगर ये पसंद आता है तो आपको लेने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे कमेंट करना है जल्द से जल्द। और मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं 10 कमेंटर्स को जो जल्द ही कमेंट करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, मैं उन लोगों को ये एज अ फ्री गिफ्ट, मैं जितना क्वांटिटी होगा, मैं क्वांटिटी तो अभी मैं इनसे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना क्वांटिटी होगा मैं सभी को, जो 10 कमेंटर्स होते हैं जो फर्स्ट में वीडियो को दिखते हैं और शेयर करते हैं और अपना नीचे में नाम लिख देते हैं, मैं उनको ये देने का आप सभी को प्रॉमिस करता हूं। और मैं अपना हिसाब से आपको भेजूंगा, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें कि आपको कितना दिन के अंदर में मिलेगा। खैर वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या फिर मैं विद इन 5 डेज के अंदर में मैं डिस्पैचिंग कर दूंगा। वो प्रोसेसिंग लगता है टाइम, लेकिन आप लोग, मैं जब भी बोलता हूँ तो आप मेरे को मैसेज पे मैसेज करते हैं कि कल कब मिलेगा हमें, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। जब भी मैं फ्री होने से आप सभी को मैं ये भिजवाने का कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही अपने घर दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, और नर्सरी आइटम गार्डनिंग को आगे बढ़ाने का आप सभी के हाथ में ही है। और मुझे भी मौका देते रहिएगा, आप जितना वीडियो को लाइक करेंगे, जितना वीडियो को शेयर करेंगे, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं नया वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा।